हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर के लिए अभिमन्यु भरेगा अक्षरा की मांग। जी हाँ, होगी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी। क्यों और कैसे होने वाला है ये, चलिए आपको पूरी खबर हम बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। यहाँ पर जो अबीर है वो डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन अक्षरा और अभिमन्यु पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने की। और अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब बहुत बड़ा कदम उठाएगा अभिमन्यु, अक्षरा के ऊपर इल्जाम लगाएगी मुस्कान। ये सुनकर छोटे से अबीर के दिल पर बहुत बुरी बीतेगी, टूट जाएगा वो, बिखर जाएगा वो। और ये सब सुनकर उसको लगेगा कि मानो उसकी माँ के साथ गलत हो रहा है। जिसके बाद ये बोलने वाला है अबीर मुस्कान से कि भूई, आप मेरी मम्मी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हैं, मेरी मम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। समझ जाएगा अभिमन्यु कि अबीर के नन्हे से मासूम से दिल पर बुरी हालत गुजर रही है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ को इस तरह के दर्द में और ऐसे इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद अबीर ये कहने वाला है खुद अभिमन्यु से कि डॉकमैन, आप मेरे असली पापा हैं ना, तो आप मेरी माँ के लिए इतना गलत कैसे सुन सकते हैं, आप मेरी माँ से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वेल, उसको ये बात रूही ने बोली होगी। रूही ने कहा होगा कि अगर तेरी मम्मी के साथ शादी कर लेंगे मेरे पॉपी, तो कोई भी तेरी मम्मी के लिए बुरा नहीं बोल पाएगा। जिसके बाद अभिमन्यु मंदिर से, कान्हा जी के मंदिर से सिंदूर उठाएगा और अक्षरा की मांग भर देगा। ये देखकर सभी घर वाले हैरान रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु एक हो जाएंगे। कितने एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।